एक बार जितनी ताकत है तारीफ कर दो परमेश्वर की। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है कि आज का वर्ड आपको ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठाओ, बोले इस वचन को सुनने से पहले मैं अपनी आत्मा को तैयार करता हूं। आमीन। मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और परफेक्ट करे आज। आप तैयार हो सुनने के लिए? आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो। आप लाए गए हो क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको छूना चाहता है, इसलिए लाए गए हो। आप विश्वास करते हो कि नहीं? सुना नहीं मैंने कहा, विश्वास करते हो कि नहीं? तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। आमीन। मैं आपको पांच चीजें आज बताऊंगा, आप तैयार हो सुनने के लिए? पांच, मैं आपको ऐसी चीजें आज बताऊंगा जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए एक क्रिश्चियन लाइफ में चाहिए, और अगर ये नहीं है आपकी लाइफ कच्ची पक्की होगी। और परमेश्वर ने चाहा आपकी लाइफ ऐसी हो, आपकी लाइफ डगमगाए। बाइबल कहती है परमेश्वर का रास्ता, धर्मी का रास्ता एक ऐसे सूर्य के समान है जिसकी ज्योति दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। आप जानते हैं मसीह लाइफ में आपको अप डाउन जाने के लिए नहीं बुलाया गया। हाँ, लोग बोलते हैं जिंदगी है जी, कभी उत्ते नू कभी थल्ले नू, जिंदगी रोलर कोस्टर के जैसे है, कभी नीचे कभी ऊपर। ये सब संसारिक शारीरिक इंसानी बुद्धि की बातें, परमेश्वर की नहीं। इसलिए मैंने कहा अगर आप अपने दिमाग को गार्ड नहीं करते हो, सच्चाई से अपनी कमर कस। क्या कस? किससे? क्या है सच्चाई? वचन। क्या है कमर? आपका दिमाग। अगर आप लोगों की बातों की ओर ध्यान लगाओगे कि लोग क्या कहते हैं कि लाइफ रोलर कोस्टर है, लाइफ अप डाउन चलती रहती है, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अगर ये आपकी आत्मा में चला गया तो आपके साथ वैसा ही होगा। परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा अपने अपने हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। अगर तुमने वो सामना करने के लिए हथियार बांध लिए तो तुम्हारे दिन बुरे नहीं होंगे फिर। इसलिए दिमाग को कहता है वचन के साथ कस लो, आपको मालूम हो लोग क्या कहते हैं और वचन क्या कहते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये लोग कहते हैं। बाइबल कहती है कि तेरी ज्योति उस सूर्य की नहीं होगी जो दोपहर तक बढ़ता ही जाता है। सूर्य कभी ऐसे ऐसे आता देखा आपने नीचे ऊपर, अभी नीचे हो गया फिर ऊपर, ऐसा देखा है? आपकी लाइफ ऐसी होगी, फाइनेंस ऐसा होगा, सेहत ऐसी होगी, हर ईयर आप बेटर होते जाएंगे, एवरी ईयर आप बेटर होते जाएंगे, आपका लास्ट ईयर कभी बेस्ट नहीं होगा, अगला अभी वाला बेस्ट होगा। आप कभी अपने पास ईयर को बेटर नहीं बोलेंगे, आप एवरी ईयर बेटर के बाद बेटर होते जाएंगे। अगर आमीन ऊंचा आशीष ऊंची, आमीन। आप तैयार अपने माइंड को सच्चाई के साथ भरने के लिए, क्योंकि ये आपका फैसला है कि आप दुनिया की बातों को सुनते हो या आप शैतान की बातों को सुनते हो, या आप अपना दिमाग जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाते हो। हालेलुया। सच्चाई से अपनी कमर को कसना, पतरस ने कहा अपनी अपनी बुद्धि की कमर कसो। अपने पड़ोसी बोलो अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस। बोलो सात बार, सात बार। आमीन। सच्चाई क्या है? वचन। बुद्धि क्या है? अगर ये कसा हुआ नहीं है वचन से, आपको लोगों का ओपिनियन मैटर करेगा। लोग क्या कहते हैं मुझे परवाह नहीं, मैं प्रभु की हुजूरी में बोल रहा हूं। अगर प्रभु ने मुझसे कहा और आपकी बेहतरी के लिए कुछ है, मैं उसे करूंगा। लोग कुछ भी करें, पहले विरोध करेंगे, फिर मेरी कॉपी करेंगे, बाद में सहमत हो जाएंगे, डोंट वरी। पहली चीज जो आपने अपनी लाइफ में रखनी है अगर आप सक्सेसफुल क्रिश्चियन होना चाहते हैं, तो वो ये है, आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। लिख लो पहला पॉइंट। बाइबल कहती है यहोजकेल जब परमेश्वर के सामने गया तो परमेश्वर ने कहा
यहोजकेल क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा परमेश्वर तू ही जानता है। क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा परमेश्वर तू जानता है। कहा कि नहीं कहा? यहोजकेल अगर ये कहता हां परमेश्वर ये हड्डियां जी सकती तो वो गलत होता। क्यों? क्योंकि यहोजकेल को ये मालूम नहीं था कि ये हड्डियां किसी श्राप की वजह से परमेश्वर के साथ सहभागिता टूट जाने की वजह से सूखी हैं या वैसे ही सूखी। अगर वो ये कहता हां ये जी सकती हैं तो उसमें यहोजकेल का अपना आप नजर आता, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता कि प्रार्थना करते वक्त आप उसे नजर आए, आपकी मैं नजर आए। बाइबल कहती स्वर्ग में कुछ दूत ऐसे हैं जिन्होंने अपने पंखों से अपने चेहरे को ढांपा हुआ है। पता क्यों? ताकि जब आप या कोई और बंदा या खुदा का दास जब उन्हें देखे स्वर्ग के दर्शन में तो कभी उसके साथ परमेश्वर के साथ उनका आपस में कंपैरिजन न करना शुरू कर दे। यहोजकेल ने कहा नहीं परमेश्वर मैं नहीं जानता ये हड्डियां जी सकती हैं कि नहीं। अगर वो कहता हां जी सकती तो इसका मतलब उसका अपना आप नजर आ रहा था। उसने कहा मेरे को नहीं मालूम ये हड्डियों के सूखने का कारण क्या है, तो मुझे कैसे मालूम कि जी सकती है कि नहीं। अगर वो कहता नहीं जी सकती तो ये भी गलत था, क्योंकि परमेश्वर की पावर के विश्वास के खिलाफ था, क्योंकि परमेश्वर की पावर से वो हड्डियां जी सकती थी। आज के बाद अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो और परमेश्वर के दाहिने हाथ को भयानक कामों को बड़े कामों को एक रसौली गायब होना और बेदी के रूप में परिवर्तित होना यह भयानक काम है। अगर ऐसे बड़े काम देखना चाहते हो तो जब प्रार्थना करने के लिए आज प्रभु की हुजूरी में बैठोगे तो आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड और मैं के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आमीन। आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, सबसे पहली प्रार्थना क्या है? हे परमेश्वर मैंने जो वीजा अप्लाई किया है तेरे दूत उसको छुए, एम्बेसी में चले जाएं, एम्बेसी के घर में चले जाएं, काउंसलर के गला गले को दबा दे, कान को दबा दे, मार दे उसे प्रभु, वीजा दे ये मेरे। इसका मतलब आपकी प्रेयर सेल्फ सेंटर्ड है और पूरे चांस है आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आने के, क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती उसमें लिखा तूने मांगा पर पाया नहीं इसलिए तू व्यभिचार में उसे उड़ा दे। हालेलुया। तूने मांगा पर पाया नहीं इसलिए कि व्यभिचार में उड़ा दे। अगर तुम खुदा की सेवा करोगे तो क्या लगता है खुदावन तुम्हें मजदूरी नहीं देगा? तुम उसकी महिमा करोगे तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें ऊंचा नहीं करेगा? तूने जो मेरे नाम को जान लिया और मुझसे प्यार किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, बाइबल ऐसे कहती है, हाँ या ना? कहती है कि नहीं कहती? लेकिन जब प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड है, पहली प्रार्थना जब आप वचन में बैठे प्रार्थना में बैठे आपकी पहली प्रार्थना होनी चाहिए परमेश्वर मैं तुझे और जानना और समझना चाहता हूं। दूसरी प्रार्थना होनी चाहिए परमेश्वर मैं तेरे वचनों की गहराई को समझना चाहता हूं। तीसरी प्रार्थना आपकी गैर भाषा होनी चाहिए। चौथी प्रार्थना आपकी कमियां कमजोरियां होनी चाहिए कि परमेश्वर ये मेरी लाइफ की कमजोरी है जिससे मैं बाहर आना चाहती हूँ, बाहर आना चाहता हूँ। पांचवी छठी प्रार्थना फिर भी आपकी यही होनी चाहिए कि तू लोगों को बचा, मेरे घराने को बचा, हमारे उद्धार को और तू फैला परमेश्वर। और फिर आप अपनी प्रार्थना रखो जो रखनी कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो ये भी हो सकता है, अगर तू चाहे तो मेरा वीजा भी आ सकता है, अगर तू चाहे मेरा लंगड़ापन भी ठीक हो सकता है, मुझे बेबी मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है तेरे नाम में। पर आपकी पहली प्रार्थना ही ऐसी जिससे परमेश्वर को लगता है कि आप सिर्फ सेल्फिश लोग हैं और अपने सेल्फ अपने अपने मोटिव्स को आप मेरे से पूरा करवाना चाहते हैं, बस आपको कंटेनर से प्यार नहीं लेकिन जो कंटेनर के अंदर चीजें हैं आपको उससे प्यार है। आपको बाप से प्यार नहीं पर बाप की प्रॉपर्टी से प्यार है। ऐसे बच्चे नाजायज कहलाते हैं और गलत कहलाते हैं, ऐसे बच्चे बच्चों से बाप कभी प्यार नहीं करता। आपकी फर्स्ट प्रेयर होनी चाहिए परमेश्वर में बढ़ने के लिए, अपने उद्धार में बने रहने के लिए, उसका थैंक्स करने के लिए पास में जो उसने आपकी लाइफ में काम किए। जब परमेश्वर ने देखा यहोजकेल तूने बड़ी बुद्धि के साथ उत्तर दिया है, बड़े दिमाग से उत्तर दिया तूने आत्मा से कि मैं नहीं जानता परमेश्वर क्या ये हड्डियां जी सकती कि नहीं, परमेश्वर ने कहा तू भविष्यवाणी कर कि ये हड्डियां जी उठे। आत्मा उसमें आया, आत्मा आप पे उतरता है जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हो, आत्मा आप पे उतरता है जब आप परमेश्वर की विल पे चलते हो, आत्मा आपके कामों पे उतरता है जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हो। आप सेल्फिश नहीं हो तो आत्मा आप पे उतरता है।
आज लोग सेल्फिश हैं, आत्मा नहीं उतरता उन पे, उनका सारा ध्यान इस बात पे, जैसे ये बहने आजाद हुई मुझे भी प्रभु आजाद करे, जैसे उस भाई को परमेश्वर ने ब्लेस किया लाखों के घरों से मुझे ब्लेस करे, उन्हें कोई ध्यान नहीं कि क्या आज मैं प्रेयर करके आया हूँ, मेरी बाइबल पूरी है, पवित्रता ही सही है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आज मैं संडे प्रभु के घर में हूं या नहीं, नहीं इन बातों की और कोई ध्यान नहीं। इसका मतलब हम वही है जिसके बारे में वचन कहते हैं कि तूने मांगा और पाया नहीं, इसलिए कि तू व्यभिचार में उड़ा दे। हीलिंग देने के लिए प्रभु तैयार है, लेकिन हीलिंग के बाद करोगे क्या? चंगाई देने के लिए वो तैयार है, आपको डिलीवरेंस छुटकारा देने के लिए तैयार है, लेकिन करोगे क्या उसके बाद? कुछ लोग आज पवित्रता ही में है, पता क्यों? क्योंकि शैतान के अटैक होते हैं उन पे, दुष्ट आत्मा के। लड़कों के पास जाने के लिए टाइम नहीं है उनके पास, लेकिन जैसे ही वो दुष्ट आत्मा से चर्च में आके फ्री हुए, अब फ्रेंडशिप कर रखी, तो क्या थे आप? आप बीमार अच्छे थे, आप बचे हुए तो थे, आप स्वर्ग तो जा रहे थे। तो ऐसा परमेश्वर को मौका मत दो कि वो आपको ज्यादा बीमार रखना उत्तम समझे आपको चंगाई देने से। आपको ये भी बताना है अपनी चंगाई छुटकारा लेने के बाद कि आप बेटर हुए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी, उसको लेने के बाद आप अच्छे हुए उससे भी, प्रेयर बड़ी है आपकी, बाइबल रीडिंग बड़ी है आपकी, चर्च में आप ज्यादा आए, आपने प्रार्थना ज्यादा की है, आपको थैंक्स करना है परमेश्वर को। पुराने टाइम में मुंह से थैंक्स करने नहीं जाते थे, थैंक यू गॉड, बकरियां लेके जाते थे, हाँ भेड़े लेके जाते थे, अपने कर्मों से थैंक्स करते थे, एफर्ट से, पैसों से थैंक्स करते थे। और परमेश्वर को मालूम था ये रियल थैंक्स है, आमेन। पहला पॉइंट जो आपको मानना है वो ये है, आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, आपके मांगने का मकसद सही होना चाहिए। आमेन।